नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। समरसता मंच रावगढ़ के तत्वावधान में सद्भावना बैठक संपन्न हुई, जिसमें हिंदू समाज के सभी प्रमुखजन पधारे, जिन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने एवं समाज उत्थान पर चर्चा की। बैठक में विष्णु गोपाल कासट, राममोहन चौकसे, श्याम ओझा, संतोष श्रीवास्तव, कमलेश मैर, सुरेश कुशवा, बलराम पटवा, जगदीश प्रजापति, राजेंद्र सोनी, गुलाब चंद गुर्जर, किशन लाल प्रजापति, सर्वेश्वर शर्मा, अंकित शर्मा एवं अनेक समाज के बंधुओं ने अपने विचार रखे। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग कार्यवाहक दिनेश शर्मा, विभाग समरसता प्रमुख गोविंद मीना, ब्रजमोहन कुशवा एवं जिला गौसेवा प्रमुख हजारी लाल प्रजापति उपस्थित रहे। व्यवहार में भी कैसे हम अपने परिवार में जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनको संस्कार दे पाए। हमारी जो परंपराएं हैं भारत की, हमारी जो हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, उन परंपराओं को, उन संस्कारों को, उन संस्कृतियों को हम अगली पीढ़ी में कैसे ले जा सकते हैं। अपने महापुरुष और उन महापुरुषों के द्वारा किए गए काम, उनका ऐसे काम जिन कामों के कारण से हमारा धर्म बचा, इन कामों में जो आप लोग लगे रहते हो, ऐसे सभी मूर्धन्य अपने समाज बंधुओं की बैठक आज यहाँ आयोजित की गई है। वो गा रही थी कि रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरोना, पूरा भगवान के सामने खड़े होकर के ऐसा गा रहे थे। उनकी भावना पवित्र थी, उनकी भावना में कोई कमी नहीं थी, वो राम के प्रति वो समर्पित थी। लेकिन इस बात की समझ आखिर कब आएगी कि हमें राम के लिए क्या बोलना है? हमारे मन में कुछ विचार ऐसे बस गए कि वो निकल ही नहीं रहे। कुछ बातें ऐसी शामिल हो गई, हमारे संस्कारों में शामिल हो गई, हमने स्वीकार कर लिया। हमको आपत्ति नहीं है दूसरे को स्वीकार करने में, समाज तो सबको आत्मसात करता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो जो एक संस्कार वाली बात है, एक शुद्धता वाली, एक निष्ठा वाली, श्रद्धा वाली बात है, उसमें। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। मधुसूदनगढ़ के बारूद गांव में आज बलात्कार के बाद हत्या के मामले में राजगढ़ महिला कांग्रेस अध्यक्ष नीलम दुबे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बारूद ग्रामवासियों के साथ मिलकर रोड पर चक्का जाम किया। आरोपियों की गिरफ्तारी की भी उन्होंने मांग की। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, तब तक नीलू दुबे ग्रामवासियों एवं समर्थकों के साथ वही बैठी रहेंगी। बता दें कि भोपाल मधुसूदन रोड पर इस धरने के चलते लंबी वाहनों की लाइन लग चुकी है। पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। वहीं पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लोग लगाते रहे। बता दें कि दो दिन पूर्व नाबालिग की फांसी के फंदे पर लटकी लाश मिली थी, जिस पर परिजनों ने आरोप लगाया था कि उसको बलात्कार कर उसके बाद बच्ची की हत्या की गई है, जिसे पुलिस ने सिरे से ही नकार दिया था। पुलिस एक्शन ही नहीं ले रही कुछ, इसके प्रशासन चुप क्यों है? और आज ये उठा लिया, मैं भी पहले 2 साल की, अभी गिरफ्तार होना चाहिए उस समय। अभी नहीं जाने वाले हम, नहीं चक्का जाम करेंगे वाली 3 दिन 4 दिन। इतना टाइम क्यों मांग रही है पुलिस? पुलिस ने उन लोगों से 5 लाख की रिश्वत लेकर इस मामले को रफा दफा करने में लगी।
लगी हुई है। महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीमती नीलू दुबे राजगढ़ से आई है, जब तक इस मामले को अगर वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते जब तक महिला कांग्रेस की अध्यक्ष महोदय यहाँ पर चक्का जाम करके बैठी है। ये हमारी मांग है कि उन हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्द। मधुसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। शहर के नए एसपी निमिष अग्रवाल के निर्देशानुसार किए जा रही कार्रवाई के चलते फरारी बदमाशों एवं पारदियों पर शिकंजा कसने के लिए मुख्यतः चलाए गए अभियान में विगत 5 नवंबर की रात्रि को गुना कोतवाली पर 10,000 के इनामी बदमाश पारदी गजराज सिंह को जंगल से पकड़ा। बता दें कि शहर टीआई को मुखबिर की सूचना मिली थी कि गड़ला गांव में छुपा हुआ है गजराज पारदी। वहीं शहर टीआई विवेक अस्थाना ने 2 टीमों का गठन किया जिनके द्वारा अलग अलग जगह पर जाकर घेराबंदी की गई। बमुश्किल गजराज पारदी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि गजराज पारदी मोहर सिंह जो कि कुख्यात बदमाश पारदी है उसका भाई है। वहीं गजराज के ऊपर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत करीब 28 मामले गुना जिले में पंजीबद्ध हैं। इसके अलावा वह एक अंतरराज्यीय बदमाश भी है जिसके ऊपर विभिन्न राज्यों में अलग अलग धाराओं पर कायमी भी की गई है। पुलिस इस ओर प्रयास कर रही है कि जिन राज्यों में उसने आतंक मचा रखा है या जो भी उसकी शिकायतें हैं उनको भी पता चल सके। पाँच से काम नहीं चले होगा। अरे यार मध्य प्रदेश के अलावा कितने राज्यों में है? अब इसका एक तो दिल्ली तमिलनाडु की तरफ की वारदातों में इसका आ रहा है तो वहाँ खबर की जा रही है तो वहाँ से टीम आएगी। सर अंतर्राष्ट्रीय सर यही वो यूट्यूब पे जो इसका वीडियो डाला था सर उसी मामले में है ना ये सर चोरी दिल्ली से की थी दिल्ली वाले। अब हो सकता है दिल्ली की टीम भी आएगी खबर कर रहे हैं तो फिर और क्लियर होगा इसमें कि क्या उन्होंने सर लगातार जो दबिश दी जा रही है प्रशासन में उसमें एक गजराज पारदी है जो 10,000 का इनामी है जो थाना धरनावड़ा का एक डबल मर्डर का प्रकरण है। एक पुलिस से हमला हुआ था उसका प्रकरण है उनमें वांटेड था 10,000 का इनामी और एमपी से बाहर के कई प्रकरणों में ये वांटेड है उसको कल पकड़ने में सफलता मिली है। कोतवाली टीआई और उनका स्टाफ उन्होंने दबिश दी थी उसको गिरफ्तार किया। अंतर्राष्ट्रीय चोरी सर इस पर किस तरीके इसमें ये दिल्ली और मद्रास तरफ के कई मामले हैं जो बड़े मामले हैं जिनमें ये वांटेड है वहाँ कवर की जा रही है तो वहाँ की टीम आने के बाद पता लगा क्या निकलता है। थैंक यू। आरुण नगर के सनातन समिति के तत्वावधान से आयोजित रामलीला में सुग्रीव मिलन संवाद की कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। रामलीला में दूर दूर से आए श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने रामलीला का आनंद उठाया। वहीं रामलीला में आरती की चाचोड़ा के क्षेत्रीय विधायक ममता मीना एवं उनके पति रघुवीर सिंह मीना ने उनके साथ ही मौजूद थे समाज सेवी गोपाल साहू शिक्षक पहलवान सिंह रघुवंशी संजय जैन श्रवण जैन आदि गणमान्य नागरिक भी इनके साथ मौजूद रहे। Yeah.
आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। नए एसपी ने दिए स्कूल में छात्रों के सवालों के जवाब। मौका था सोनी कॉलोनी स्थित मॉडर्न स्कूल में आयोजित कार्यशाला का, जिसमें छात्र छात्राओं के भविष्य में किस तरह से पढ़ाई की जाए और क्या रुक रहे हैं उनकी पढ़ाई का, इस बारे में कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस मौके पर शहर एसपी निविश अग्रवाल ने बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए, साथ ही उनके साथ अपने अनुभव भी बांटे। वहीं एक छात्र ने उनसे पूछा कि भोपाल में हुए गैंगरेप कांड के बाद पुलिस वाले ही पुलिस वालों का रिपोर्ट दर्ज नहीं करा पा रहे, जिसमें एक पुलिस वाले की बेटी ही पीड़िता थी, जिसके जवाब में शहर एसपी निमिष अग्रवाल ने कहा कि पुलिस में लगभग 1,00,000 अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, जिनमें से कुछ एक गलतियां कर देते हैं जिनको उनकी गलतियों की सजा मिल जाती है। हर संस्थान में हर जो सिस्टम होता है, सब जगह बहुत सारे लोग काम करते हैं, पुलिस में 1,00,000 से ऊपर लोग हैं, सबके जो है कुछ लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग खराब काम करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं जो है इसमें कुछ लोग जिनको प्रक्रिया की समझ नहीं है, जिनको कानून का ध्यान नहीं है, वो लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, तो उनको उस हिसाब से दंडित भी किया जाता है। तो निरंतर हम लोग जो जितनी हमारी संस्था है पुलिस की, पूरा जो इतना पूरा सिस्टम है 1,00,000 लोगों से ज़्यादा का, उसको और अच्छा करने का प्रयास करते रहते हैं। इसमें जो भी लोग गड़बड़ करते हैं, जो अपने नियम का पालन नहीं करते हैं, उनको हटाया भी जाता है, उनको दंड भी दिया जाता है। तो ये सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इस तरह का कभी कभी जो लापरवाही हो जाती है, ये बहुत सिस्टम पर रहती है, और सभी सिस्टम का ये दायित्व होता है कि उसको निरंतर ठीक करते रहें। वहीं एक छात्र ने एसपी निमिष अग्रवाल से प्रश्न किया कि गवर्नमेंट जॉब में जनरल कोटे के लिए बहुत कम सीटें रिजर्व होती हैं, वहीं ओबीसी के छात्र या एससीएसटी के छात्र बहुत कम अंक प्राप्त कर भी पद को पा लेते हैं। इसके जवाब में शहर एसपी ने बताया कि हर साल लाखों की तादाद में छात्र अपना भाग्य आजमाने के लिए परीक्षाओं में बैठते हैं, जिनमें से हजारों ही आगे निकल पाते हैं। छात्रों से उन्होंने यह कहा कि पहले इन हजारों में आए, उसके बाद आरक्षण के बारे में बाद में सोचें। हर जो भी एग्जाम होते हैं उसमें जो अलग अलग कास्ट होते हैं उनका अपना अलग अलग चैनल होता है, तो हर व्यक्ति को बस पहले अपना अच्छा करके दिखाना होता है। जो कोई भी प्रतियोगिता जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, इसमें जो सिलेक्शन होता है वो उसमें 8,00,000-10,00,000 लोग बैठते हैं, और 2,000-3,000 इस हिसाब से लोग सिलेक्ट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 100 में एक बंदा सेलेक्ट हो रहा है, तो आपको अच्छा तो करके दिखाना ही पड़ेगा। 100 लोगों की दौड़ में आपको जो है प्रथम स्थान प्राप्त करना है हर 100 आदमी पर। तो अगर आप अच्छा आपकी प्रतिभा नहीं दिखाओगे, अच्छा मेहनत नहीं करोगे, तो वो तो सबसे पहली चीज़ है, आपका सिलेक्शन किसी भी चीज़ में नहीं हो सकता। कास्ट बहुत दूर की चीज़ है, उससे कोई बाधा भी नहीं आती है। सबसे पहली जो बाधा आती है वो आपके मेहनत और आपकी प्रतिभा से आती है, उसको पार करिए, बाकी सब हो। आपको पहले उन लाखों से हजारों में तो आना पड़ेगा ना, वो प्रतिभा तो आपको दिखानी पड़ेगी, जहाँ आप 8,00,000-10,00,000 से शुरू के 4,000-5,000 में या 3,000 में आओ। IIT के एग्जाम में भी आजकल जो है 10-10,00,000 लोग बैठने लगे हैं बच्चे। नीट का एग्जाम होता है मेडिकल का, उसमें भी लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं, और 3,000-4,000 में सिलेक्शन होता है। मैंने मेरे स्कूल में
उनकी बुक्स वगैरह डिजाइन की हैं और इन लोगों को दी जाती हैं और एग्जाम होते हैं हर ये अपना मंथली एग्जाम होता है वो भी ऑनलाइन इनको पूरे ओटी वगैरह एमसीक्यू सब ऑनलाइन दिए जाते हैं और उसमें ये इंटरेस्ट लें और उसके अलावा हम इनको ये बोलते हैं कि जैसे कि लड़की ने पूछा कि हम एक बच्चे ने पूछा फोकस कैसे करें तो मैं कह रही हूँ कि पर्सनल लाइफ को टच करूँगी सबसे और नंबर दो यहाँ के विद्यार्थियों को एक शिक्षा दी जाती है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग और तीसरा जो है पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी इनसे पूछा जा सकता है क्षमता है उसको पैदा करने की हम लोग पूरी पूरी कोशिश करते हैं इसलिए कौटिल्य को अभी कैप्टन ट्रॉफी भी मिली है और मैं चाहूंगा कि हमारा संस्थान गुना में भी ये अद्भुत कार्य करे इसमें इनका दोष नहीं है कोई दोष ना हमारा दोष है ना इनका ये गॉड का दोष है मैं इसको ईश्वर का दोष मानती हूँ इस समय में क्या है इनको चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से ये अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट होते हैं इस समय इनको खुद को संभलना है इनको समझाने के लिए ना तो पेरेंट्स होंगे ना ये खुद समझे पेरेंट्स जो शिक्षा दे रहे हैं नाइन्थ से टेंथ तक तो ये उनकी बच्चों के बीच में आके बहुत अच्छा लगता है उनको अच्छा अच्छा इंफॉर्मल इंटरेक्शन काफ़ी अच्छे रोचक सवाल बच्चों ने पूछे इसको हम सब मिलकर उनकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करें ऐसे ही मैंने बच्चों के जवाब दिए और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ क्या इस तरह की वर्कशॉप और भी चलती रहेंगी बच्चों के साथ वर्कशॉप बिल्कुल लगातार चलती रहेंगी उसमें बच्चों को हम लोग ट्रैफिक नियम जो है उनका पालन करें उसका भी हम उनको बताते हैं और नशा मुक्ति से दूर रहें उसका भी हम एक्चुअल में जो बच्चों के मार्गदर्शन के लिए थी वो प्रशासकीय नौकरियों में उच्च पदों को कैसे प्राप्त करें और अपना अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास किस प्रकार से करें इसके लिए गुना जैसे शहर में हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी काफ़ी प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स हैं और उसके लिए एसपी साहब निमिष अग्रवाल जी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हमारी ओर से भी ये पूरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ के बच्चों को हम जैसा दिल्ली में एटमॉस्फेयर होता है जैसा इंदौर में होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मुहैया करवाएं और उन्हें भी उच्च पदों पर जो है वो किस प्रकार से सफलता अर्जित करें इसके लिए हम मार्गदर्शन करें चौड़ागढ़ से 3 किलोमीटर दूर घने जंगल में ठाकुर अशोक राजपूत एवं उनके परिजनों ने स्वर्गीय भगवान सिंह राजपूत की स्मृति में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है इस भागवत कथा में मुख्य वेदी पर मुख्य यजमान के रूप में अशोक राजपूत अपनी धर्मपत्नी शीलाबाई के साथ बैठेंगे इसके साथ ही संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का तीसरे दिन आज कथावाचक श्री आनंद जी शर्मा ने वाली के जीवन पर विस्तार से बताया भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में भी विस्तार से समझाया गया श्रीमद् भगवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन भी हुआ भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद खुशी की लहर दौड़ उठी और हर जगह खुशी मनाई गई साथ ही छोटी छोटी कन्याओं ने एवं कथा सुनने आए श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य भी किया भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद नंद बाबा ने चारों ओर मिठाई भी बांटी इस कथा में दिन प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं जो संकल्प देकर वचन नहीं निभाता तो उसे दंड का अधिकार भोगना पड़ता है गरुड़ जी को आदेश दिया और बलि को बांध पर डाल दिया महाराज बोले अब तुम गहरी है नदिया नाव पुरानी गहरी नदिया नाव पुरानी चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट
फर्जी कंपनी खोलकर लाखों का चूना लगा गए। बता दें कि सोनी कॉलोनी में कैपिटल एग्रो इंडस्ट्री नाम से एक फर्म खोली थी, जिसके मालिक आर के सूर्यवंशी ने नेशनल कंप्यूटर से 4 लैपटॉप लिए, जिनका बाजार मूल्य तकरीबन 1,00,000 रुपए से ऊपर है। इन लैपटॉप की खरीदी के बदले में सूर्यवंशी ने नेशनल कंप्यूटर्स नामक दुकान पर चेक दिया, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का था। जब खाते में चेक लगाया गया तो पता चला कि वह चेक किसी और के नाम का है और उस खाते में कोई बैलेंस नहीं है। इसके बाद नेशनल कंप्यूटर के मालिक उस ऑफिस में पहुंचे, जहां पर जाकर पता लगा कि वो ऑफिस तो रात में ही बंद हो गया है। जब उन्होंने आस पड़ोस में पता किया तो पता लगा कि रात के समय ही पूरा सामान भरकर आर के सूर्यवंशी यहां से रफू चक्कर हो गए, जिसके बाद नेशनल कंप्यूटर के मालिक ने थाने में एक आवेदन दिया। वही नेशनल कंप्यूटर के अलावा कुछ ग्रामीण भी वहां पहुंचे। थाने में उन लोगों ने भी आवेदन दिए कि उनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। बता दें कि ग्रामीणों को 26,000 रुपए लेकर 1,00,000 रुपए का लोन देने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ पैसा जमा किया और बिना लोन दिए ही कंपनी गायब हो गई। नेशनल कंप्यूटर्स के प्रोप्राइटर ने एक वीडियो भी पुलिस को मुहैया कराया है, जिसमें आर के सूर्यवंशी का चेहरा साफ नजर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस केस को कैसे और कितनी जल्दी सुलझा पाती है। ये विगत शुक्रवार की बात है, हालांकि आज हमारे पास आए नेशनल कंप्यूटर के प्रोप्राइटर हैं राधेश्याम प्रजापति। इनका कहना है कि कोई अज्ञात व्यक्ति इनके पास आया था और 4 लैपटॉप वो लेके गया और चेक दिया हुआ है। तो चेक इनने मालूम किया, वो चेक किसी और के नाम से निकल रहा है, और जिस जगह का ये बता रहे हैं कि कैपिटल एग्रो के नाम से कंपनी वाला था, वो कंपनी का जो भी प्रभारी था सोनी कॉलोनी में, वहाँ पर जाके देखा तो कैपिटल एग्रो नाम मतलब जो जिस मकान में वो कंपनी थी उस मकान पर ताला लग रहा हुआ है, उस कंपनी के ऑफिस पर ताला लग रहा है। लगभग कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी? अभी तो मेरे पास ये आए, और साथ में देहात क्षेत्र के भी 1-2 लोग आए हैं, उन्होंने उनका भी ये कहना है कि यही व्यक्ति जो इनके कैमरे में कैद हुआ है, CCTV कैमरे में आया है, यही व्यक्ति लोन दिलाने के नाम पर उनसे भी 25,000 रुपये ले लिया। 2 व्यक्ति ऐसे आए हैं, हालांकि अभी कंप्लेंट बोर्ड ने नहीं करी है, कंप्लेंट प्राप्त होने पर कार्रवाई की जाएगी। फ्राइडे को 6 बजे के आसपास आए ये साहब मेरे पास, कैपिटल एग्रो के नाम से इनका फर्म था। क्या नाम था इनका? आर के सूर्यवंशी बता रहे थे, वो कार्ड पे भी छपा था। इनने मेरे से 4 लैपटॉप ऑर्डर दिए थे, वो इन्होंने मेरे पास थे, मैंने इनको 4 लैपटॉप दिए, इन्होंने उनके बदले मुझे चेक दिया, ये चेक उसी डेट का, लेकिन 2 दिन की छुट्टी थी तो आज लगा चेक, तो आज लगा तो उसमें तो बैलेंस नहीं किसी दूसरे रजक के नाम का, और 4 लैपटॉप गए हैं मेरे, और ये फर्जी आदमी था उसका ऑफिस। लगभग कितने लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है? ये मैं आज सुबह गया 10-11 बजे के आसपास, तो 10-15 लोग वहाँ खड़े थे कि मेरा पैसा लेना है, 25,000-30,000 मेरा लेना। लगभग कितने की धोखाधड़ी होगी, क्या मान सकते हैं? कम से कम LED भी ले गया 2 बाजार से, कम से कम 1.5 लाख की उसकी LED गई है, 1-51 भी मेरे लैपटॉप गए हैं। डीजे ना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।